बक्सर में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने संस्था का उद्घाटन करते हुए बताया कि संस्था का उद्देश्य ऐसे लावारिस बच्चों को यहां रखना है जिन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा किसी अन्य कारण से उसके जैविक माता पिता के द्वारा छोड़ दिया जाता है। डीएम ने बताया कि नवजातों को अवांछित समझकर जंगल झाड़ी में फेंक दिया जाता है, अस्पताल में यूं ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए यह संस्थान कार्य करेगा। वर्तमान में जिले भर से कुल 8 बच्चों को लावारिस हालत में पाया गया था जिन्हें आरा अथवा कैमूर भेजना पड़ता था, लेकिन अब यहां 10 की संख्या में बच्चे रह सकेंगे। जिन बच्चों को जिले के अलग अलग स्थानों से पाया गया था उन्हें फिर वापस यहां बुलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही यहाँ जो कर्मी होंगे वो बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे एवं उनके पढ़ने लिखने खेलने कूदने और खाने पीने के भी इंतजाम बेहतर ढंग से किए जाएंगे। डीएम ने कहा कि बच्चों को गोद लेने को इच्छुक व्यक्ति care.nic.in पर निबंधन कर सकते हैं। ग्रैंड संस्थान का उद्घाटन हुआ है जो किशोर न्याय अधिनियम है उसके अंतर्गत जो निबंधन होना होता है उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। इसमें आप लोग भी देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और विभिन्न प्रकार के लिए जो बच्चों की सहूलियत के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे खेल कूद का रूम हो, किचन की व्यवस्था, उनके सोने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो, वो सब कराई गई। आज से पहले बक्सर जिले में यही समस्या होती थी कि कोई बच्चे यदि अनाथ और इस प्रकार के पकड़े जाते थे जो अपने जैविक माता पिता से अलग हो तो उनको रखने के लिए हम लोगों को आरा भोजपुर जिले में भेजना पड़ता था। तो अब चूंकि ये व्यवस्था यहीं पे हो गई है तो ये अच्छी सहूलियत रहेगी बक्सर जिले के लिए जो अनाथ बच्चे इस तरीके से यहाँ पर पकड़े जाते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत ही पारदर्शी तरीके से इसको करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है www.kara.nic.in। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दंपत्ति जो बच्चे को गोद लेना चाहे उसमें आवेदन कर सकते हैं और फिर उसी के लिए पारदर्शिता प्रक्रिया से चयन होता है और फिर वो मैसेज यहाँ पे मिलता है और हम लोग देते हैं। यहाँ पे कुल 10 बच्चे और बच्चियों को रखने के लिए अभी व्यवस्था है। तो हम लोग अभी, मैंने निर्देश दे दिया है कि जो बच्चे बक्सर जिले के हैं जो अभी वर्तमान में आरा भोजपुर जिले में है उनमें से कुछ बच्चों को हम लोग यहाँ पे आवासन व्यवस्था करवा हैं। उस हाँ बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के कर्मियों की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी जिसमें एक डॉक्टर भी रहेंगे, ANM GNM भी रहेंगी, आया का भी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति है, यहाँ पे वो अभी ऑलरेडी है। तो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों के विकास के लिए जो उनकी देखभाल होना चाहिए सभी प्रकार की व्यवस्था की है। DM ने तत्क ग्रहण संस्थान का निरीक्षण भी किया।